नमस्कार साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जब हम राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि किस तरह से राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है उसके विविध पक्ष होते हैं, जिसमें सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, सुस्थिरता का पक्ष है, पारिस्थितिकी पक्ष है, समावेशी विकास का पक्ष है। ये सब विविध पक्ष हैं, आक्षेप हैं, स्वरूप हैं, परिप्रेक्ष्य हैं जो उस अवधारणा को प्रभावित करते हैं। जब हम राजनीतिक विकास के स्वरूप के बाद इसकी विशेषताओं पर बातचीत करें तो सबसे पहले हमें ल्यूशन डब्ल्यू पाई के चिंतन को समझना होगा। ल्यूशन डब्ल्यू पाई ने बेसिकली राजनीतिक विकास के तीन मूल लक्षण बताए हैं, जिसको हम समानता, इक्वालिटी, क्षमता कैपेसिटी और विभेदीकरण डिफ्रेंशिएशन के नाम से जानते हैं। समानता, क्षमता और विभेदीकरण तीनों स्वरूपों को पॉलिटिकल सिंड्रोम या डेवलपमेंट सिंड्रोम, विकास संलक्षण के नाम से भी कॉलमैन ने पुकारा है। राज्य और राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूप को या बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात न केवल राजनीतिक क्षेत्र में अपितु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी समानता, क्षमता और विभेदीकरण होना अति आवश्यक है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कैपिटलिज्म सोसाइटी के लिए, कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता के लिए अनेक दुकानदार, सेलर, व्यापारी होना आवश्यक है, ऐसे ही राजनीति में भी अनेक कंपटीटर्स का होना अति आवश्यक है। और इस कंपटीशन में जो विभेदीकरण है या जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो सब के लिए होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। पाई ने अपने राजनीतिक विकास को अत्यंत ही स्पष्ट और अनिश्चित अवधारणा बताया है। साफ साफ है परंतु ये अनिश्चित है। पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के परिप्रेक्ष्य, इस बुक का टाइटल ही यही है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो राजनीतिक विकास के कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को के दुनिया में प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से इसको स्वरूप की अगर हम बात करें तो राजनीतिक विकास सामान्य विकास की आधुनिक धारणा का अभिन्न हिस्सा है। इसका मतलब है कि राजनीतिक विकास वैसे ही विकास का एक स्वरूप है जैसे राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का हिस्सा है, जैसे कि राजनीतिक समाजीकरण समाजीकरण का हिस्सा है, ऐसे ही राजनीतिक विकास विकास का एक अभिन्न हिस्सा है। हर यह राज्य के द्वारा संपूर्ण समाज का राजनीतिक क्षेत्र में गुणात्मक और मात्रात्मक विकास है। विकास की जो अवधारणा है, पहले व्याख्यानों में हमने देखा कि वह केवल वृद्धि की तरह मात्रात्मक नहीं है अपितु वह गुणात्मक भी होती है। इनकम बढ़ने से या जीएनपी बढ़ने से, जीडीपी बढ़ने से, कैपिटल इनकम बढ़ने से विकास को हम माप नहीं सकते। रियल पर कैपिटा इनकम डेवलपमेंट को डिफाइन करती है। जैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो वह तीन क्षेत्रों को लेकर एक इंडेक्स बनाया गया है। तो ऐसे ही कि इनकम बढ़ने से व्यक्ति के लाइफ स्टैंडर्ड में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है। इनकम मान लीजिए 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो गई, परंतु 10 रुपये जब उसकी इनकम थी उस समय वस्तुओं और सेवाओं की कीमत भी 10% थी, परंतु उसके बाद कीमतें बढ़कर 50% हो गई और इनकम आपकी जस्ट डबल हो गई, तो जो लाइफ स्टैंडर्ड था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब इसको विकास नहीं कहते, इसको वृद्धि कहते हैं। जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है वो राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण और आधुनिकरण से जुड़ी हुई है। इसलिए इस अवधारणा का उदय भी 1960 के दशक में अमेरिका में विशेष रूप से शिकागो स्कूल के नेतृत्व में हुआ। बेसिकली राजनीतिक विकास का जो कंसेप्ट है वो विकसित राज्यों के द्वारा दिया गया है, परंतु वह है विकासशील राज्यों के लिए, क्योंकि जिन राज्यों ने विकास कर लिया, वे भले सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, उन राज्यों के लिए विकास कोई मायने नहीं रखता। अब उनके लिए केवल ग्रोथ मायने रखती है। परंतु जो नवोदित राज्य थे या विकासशील राज्य थे जो कि साम्राज्यवाद हो,
के उपनिवेशवाद के शिकार थे, तीसरी दुनिया के देश आप मान सकते, उनमें भारत भी तीसरी दुनिया का एक गरीब पिछड़ा और गुलाम देश है। इस गुलाम देश को अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी से 1947 को आज़ादी मिली और वह राजनीतिक आज़ादी है। ये मैं बार बार कोट करता हूँ कि भारत को जो आज़ादी मिली वह केवल पॉलिटिकल फ्रीडम थी कि भारत पर अब शासन अंग्रेज़ों का नहीं, ब्रिटिश क्राउन का नहीं, खुद भारतीयों का शासन होगा, ये पूर्ण स्वराज होगा। परंतु भारत राजनीतिक रूप से आज़ाद होने के बावजूद भी आज भी आर्थिक रूप से गुलाम है, सामाजिक रूप से गुलाम है, तो वह एक परतंत्र राष्ट्र है और उसको जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सिंबल जो डेमोक्रेसी है, वो भी गुलामी में भारत को मिला है और वह इम्पोज्ड किया गया है। क्योंकि लोकतंत्र ब्रिटिश अनुभव से हमने अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया और 1935 के अधिनियम की अधिकांश धाराओं को अपनाया संविधान निर्माताओं के द्वारा, वो एक गुलामी का प्रतीक है, वो एक उस व्यवस्था का प्रतीक है जो वर्षों से उन देशों में चल रही थी। परंतु भारत के लोग जो हैं उनका व्यक्तित्व लोकतांत्रिक नहीं है, वो सामाजिक दास्ता से बाहर निकल कर नहीं आए हैं, वो आर्थिक रूप से असमानता और व्यापक असमानता वाले, या अमीर लोग बहुत कम और गरीब लोग, या हम कहें कि 5% जो अमीर लोग हैं देश की 95% संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं भारत में आज की तारीख में, और जो 95% लोग हैं उनके पास, बेचारों के पास 5% ही बचता है। तो ये बड़ी ही असमानता और आर्थिक गुलामी का सबसे बड़ा सिंबल है। इसी तरह सामाजिक क्षेत्र में जो 3-4% लोग हैं इस देश में, वो उन लोगों के द्वारा, उस समुदाय के द्वारा पूरे देश की व्यापारिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और बाकी सब लोगों का शोषण हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो राजनीतिक विकास है, वो विकास विकसित देशों के द्वारा जो डेवलप मॉडल है उसके पैमाने पर हमें इसको परखना होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भी है कि संविधान हमने बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन संविधान अच्छा तभी होगा जब आने वाली पीढ़ियाँ अपनी जो संविधान की भावना है उस भावना से इसको लागू करें और इसको फॉलो करेंगी, अन्यथा ये भी एक डॉक्यूमेंट बनकर रह जाएगा। यह राजनीतिक आधुनिकरण से संबंधित है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वह मॉडर्नाइजेशन का सिंबल तो है ही, हालांकि केवल पाश्चात्य संस्कृति सभ्यताओं की नकल करना ही या उनको अपनाना ही मॉडर्नाइजेशन नहीं है, अपितु यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक विकास एक देश से दूसरे देशों की ओर ट्रांसफ़र भी होता है, या हम सीखते हैं मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से कि डेवलपमेंट कैसे होता है। दूसरी तरफ जो मार्क्सवादी चिंतक, उनका मानना है कि पश्चिमी राज्यों द्वारा पिछड़े देशों को विकास के जाल में फंसा कर गुमराह कर दिया गया है, या विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों का शोषण करने के लिए ये एक नई चाल है जिसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहा जाता है, अथवा ये जो अमीर देश हैं, जो कुछ देश अमीर हैं, अधिकांश देश गरीब हैं, वो सेम स्थिति दुनिया भर में है, भारत या अन्य देशों के, विकसित राज्य कम हैं, विकासशील राज्य या पिछड़े हुए राज्य, गरीब राज्य ज़्यादा हैं। तो जो विकसित राज्य हैं उन्होंने राजनीतिक आज़ादी तो दे दी, लेकिन आर्थिक रूप से वो गुलाम बना कर रखना चाहते, सामाजिक उनका हिस्सा नहीं है, मोटे रूप से आर्थिक है। तो आर्थिक उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद अभी दुनिया भर में जारी है, वो विदेश व्यापार के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, LPG है, IMF है, तमाम ब्रिटेन वुड्स है, WTO है, जो गेट था पहले, ये सब जो संस्थान हैं, ये संस्थान विकसित देशों द्वारा गरीब देशों का शोषण करने के माध्यम है कार्ल मार्क्स की नज़र में, कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ही अंतर्राष्ट्रीय राज्य की तरह हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत से देशों का शोषण करते हैं। इनमें ये जो विकसित और विकासशील एक वर्ग है कि वे विकसित राज्य हैं और विकासशील राज्य हैं, तो विकसित राज्यों द्वारा विकासशील राज्यों का शोषण करने के लिए इन संगठनों का गठन किया गया है या ये संगठन बनाए गए हैं। जबकि उदारवादी ये मानते हैं कि संस्थायीकरण या लोकतंत्र के निर्माण के रूप में ही राजनीति विकास है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशन है उन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया जाना चाहिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें अफोर्डेबल प्राइस पर सब लोगों को सर्विसेज मिलनी चाहिए कॉस्ट पर, और ई गवर्नेंस होनी चाहिए, लोगों के लिए शासन होना चाहिए, तंत्र लोगों के लिए काम करे, ये उनका मानना है।
कि इसे राजनीतिक विकास कहते हैं। ल्यूसन पाई के चिंतन की अगर हम बात करें तो ल्यूसन पाई कहते हैं कि 10 मुख्य विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं को हम राजनीतिक विकास की विशेषताएं कहते हैं, जो राजनीतिक विकास को आमंत्रित करती हैं या विकास को स्थापित करती हैं। पहली शर्त है आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में राजनीतिक विकास। इसका मतलब ये है कि कुछ विचारक लिपमैन जैसे विचारकों का ये मानना है कि राजनीतिक विकास यदि है, करना है आपको, तो जो आर्थिक पक्ष है उसका, वो सामाजिक पक्ष है, तो इस आर्थिक पक्ष की बात कर रहे हैं कि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त ही राजनीतिक विकास है। अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हो तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी करना होगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के माध्यम से ही आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल को अचीव कर सकते हो। जो आर्थिक विकास है और राजनीतिक विकास है, वो दोनों जुड़े हुए हैं। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए जब तक आर्थिक रूप से विकास नहीं होगा, राजनीतिक विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए जो अधिकांशतः आर्थिक रूप से विकसित राज्य हैं, वो राजनीतिक विकास की दृष्टि से भी विकसित हैं। दूसरी विशेषता है औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। जैसा हमने बात किया कि वो जो समाजशास्त्र के पिता अगस्त काम्टी, उनका भी मानना है कि, और सर हेनरी मेन का भी मानना है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैं, वो औद्योगिक समाज जहाँ पर आर्थिक समृद्धि पाई जाती है, वो राजनीतिक विकास का माध्यम होते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेसिकली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका सबसे बड़ा सिंबल है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है, और यही क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को स्थापित करता है। तीसरी कंडीशन है राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। डेविड एप्टर और कॉलमैन गुनार मिडल जैसे विचारकों का ये मानना है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन बोथ आर सिनोनिम्स, ये एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अगर आपको राजनीतिक विकास के ध्येय को प्राप्त करना है तो आपको मॉडर्न होना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन को आपको अपनाना पड़ेगा। जो बदलाव है उस व्यवस्था में, भले सामाजिक पक्ष में हो, आर्थिक पक्ष में हो, राजनीतिक पक्ष में हो, परिवर्तन, जैसा कहा गया है कि नेचर जो चेंज है इज द नेचर ऑफ नेचर, जो प्रकृति है उसके लिए रूल ऑफ नेचर है, एक तरह से हम कह सकते हैं वो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो बदलाव, और जो बदलाव है वो सकारात्मक स्वरूप में होना चाहिए, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पर्यावरणीय पक्ष के की तरफ से आपको आगे की ओर बढ़ाने का शुभ संकेत हो, तो उसको मॉडर्नाइजेशन कहा जाएगा। मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि जो स्टेटस क्यो था उसको तोड़कर आपको आगे की ओर बढ़ना, यानी कि समानता को स्थापित करना, यानी कि जस्टिस को स्थापित करना, यानी कि लिबर्टी को स्थापित करना, फ्रेटर्निटी को स्थापित करना, आइडेंटिटी और डाइवर्सिटी को स्थापित करना, उन लोगों को स्थान देना जो सब लोगों को मिले, उनको अपॉर्चुनिटी देना, और जो मेहनत कश लोग हैं उनकी मेहनत का जो प्रतिफल है वो देना, और उसकी मेहनत को एक अवसर के रूप में बदलना, ये मॉडर्नाइजेशन है। केवल हम कहते हैं कि ड्रेस कोड में जींस और टी शर्ट, जो जींस कभी मजदूर वर्ग पहनता था आज व्यापारी वर्ग और पैसे वाले पहनते हैं, या वह मॉडर्निटी का सिंबल बन गया। तो जींस और टी शर्ट पहनने से मॉडर्निटी नहीं आती, जब तक आप जींस और टी शर्ट पहनने के साथ साइकोलॉजिकल रूप से आप तैयार नहीं होंगे ओपन सोसाइटी के लिए, तब तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। आपने जींस टी शर्ट तो पहन लिया लेकिन आप वोट देने नहीं जाते हैं, तो ये बड़ा ड्रॉबैक है। आपने जींस टी शर्ट तो पहन लिया लेकिन ग्राम सभा में नहीं जाते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज में भाग नहीं लेते हैं, क्रिटिसिज्म में भाग नहीं लेते हैं, आप जस्टिस की बात नहीं करते, इक्वालिटी की बात नहीं करते, लिबर्टी की बात नहीं करते, तो आपके उसके मॉडर्नाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। चौथा है राष्ट्र राज्य के प्रचालक के रूप में राजनीतिक विकास। ल्यूसन पाई बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा समर्थन करता है कि ये एक तरह से ड्राइव फोर्स होती है नेशन स्टेट को डिजाइन करने की। नेशन स्टेट मीन्स राष्ट्र और राज्य दोनों। जो नेशन, मैंने पहले बताया कि जब नेशनलिटी की बात करते हैं नेशन की, तो वो एक कल्चरल एंटिटी होती है, स्टेट एक लीगल एंटिटी होती है। स्टेट जो गार्डनर ने 4 टर्म बताए हैं, और
हम कह सकते हैं कि वो चार तत्वों का समूह वाला जो संगठन है वो स्टेट है, परंतु यदि लोग उस स्टेट के रूल्स और रेगुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं बाध्यकारी नहीं, बाय नेचर अगर वो राज्य के कानूनों को मानते हैं तो यह राष्ट्र राज्य होगा। जैसे कि मैंने कई बार बताया भारत में राज्य ने कानून बना रखा है, बाल विवाह नहीं किया जाना चाहिए अपराध है परंतु लोग करते हैं, मृत्यु भोज करना अपराध है परंतु लोग कर रहे हैं, कन्यावध अपराध है लेकिन कन्या का वध कर रहे हैं, बालिका भ्रूण हत्या नहीं करना अपराध है लेकिन लोग कर रहे हैं, दहेज लेना देना अपराध है लेकिन लोग दे रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने क्रमकांड जो है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो अपराध है लेकिन लोग क्रमकांड में झाड़ फूँक में या जो शोषणकारी पूजा अर्चना है, दान दक्षिणा है, मंदिर मस्जिद तमाम तरह के जो उपक्रम उसमें लगे हुए हैं, तो ये नेशन स्टेट का ड्राइव फोर्स नहीं है, इस कारण से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वो अपने उस जाल में फंसे रहेंगे जिसको हम नामकरण का जाल कहते हैं, मकान की मुहूर्त देने का या मंदिर मस्जिद की मुहूर्त देने का या अन्य जो आधार हैं कि शुभ जो है उसका इंतज़ार करते रहते हैं या कुछ जो रिचुअल्स होते हैं, रेट्स होते हैं और मैजिक होते हैं और क्रमकांड होते हैं उनके जंजाल में झाड़ झंखाड़ में पड़े रहते हैं, तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कभी भी स्थापित नहीं कर सकता, ला नहीं सकता। मैक्स वेबर और कुछ ऐसे जो समाजशास्त्री दार्शनिक, उनका मानना है प्रशासकीय और विधिक विकास के रूप में ही राजनीतिक। उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब इस बात से लिया है कि यदि जो राज्य की एक्टिविटीज़ हैं, राज्य के जो नॉर्म्स हैं, बिलीफ्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, एक्शंस हैं, प्रोसेस हैं, वो अकॉर्डिंग टू रूल होती हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वह एजेंट ऑफ द सोसाइटी होता है और वह समाज के हित में काम करता है, वह समाज के लिए एक आइडल के रूप में काम करता है कि कोई ब्यूरोक्रेट जो आरएएस होगा, आईएएस होगा, क्या उसको लोग सिंबल मानते हैं? कदापि नहीं मानते। वो पैसे के लिए, भर्ती होने के लिए, करप्शन के लिए, बेईमानी के लिए, लूटने के लिए, पावर का एहसास कराने के लिए, प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए, और हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से लूटिंग एजेंसी के रूप में और समाज का हत्यारा और शोषणकर्ता के रूप में विकासशील देशों की ब्यूरोक्रेसी कार्य करती है, तो उसको आइडल कभी भी नहीं माना जाता। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं लेकिन वो लूटिंग एजेंसी है, लूटने वाली एक संस्था होती है, तो लोग अगर उसको अच्छे स्वरूप में देखते हैं और वो प्रशासन का विकास करता है, विकास का प्रशासन है या किस तरह से लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं, अगर वो निसंदेह ऐसा है, बाय नेचर से लोग ये मानते हैं कि जो पंचायत सचिव उसे लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक लोग अच्छे हैं या जिन लोगों के पास समस्याएं लेकर उनका समाधान होता है, या वो केवल राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, रिश्वत लेकर काम करते हैं, अपना घर बनाने में काम करते हैं, या वो जनता के हित की तुलना में जो उनके बॉस हैं या जो लीडर हैं उनको खुश करने में काम करते हैं। विकासशील देशों में हम किसी से छिपा हुआ नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी नंबर दो पर है जो आम जनता को लूटने का काम करती है, नंबर एक पर पॉलिटिशियन है और नंबर तीन पर जो मास मीडिया जो है वो लूटने का काम करता है या गुमराह करने का काम करता है। तो प्रशासकीय और विधिक विकास ही राजनीतिक विकास है। छठवें नंबर पर है जन संचारण और जन सहभागिता के रूप में राजनीतिक विकास, ये विज्ञान हो गया। यहाँ पर आप विकास करते हैं राजनीतिक विकास, तो जन संचारण मास मोबिलाइजेशन की बात है, मास पार्टिसिपेशन की बात, कितने लोग प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, कितने लोग पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्लिगेशन और ये जिस सर्विस जॉब के रूप में उसको लेते हैं, और कितने लोगों तक आप राजनीतिक चेतना को पहुंचाते हो, लोग राजनीतिक मुद्दों पर, सार्वजनिक मुद्दों पर बहस बातचीत करते हैं और अल्टरनेट देते हैं या सुझाव देते हैं, समस्याओं का निदान करने में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, बनने की काबिलियत रखता है, सब में क्या वोट की एक गरिमा होती है, क्या सब लोग वोट का महत्व समझते हैं, या जो लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं कितने लोग हैं, ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत के रजिस्टर्ड कितने मतदाता भाग लेते हैं, वो हम बखूबी जानते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिसिपेशन का एक प्लेटफॉर्म दिया गया, उसके बाद भी ये स्थिति है, और शहरों में कितने लोग इन प्रक्रियाओं से, वार्ड सभाओं से होकर गुजरते हैं, हम निसंदेह जानते हैं बहुत कम लोगों की इसमें रुचि होती है, तो ये मास मोबिलाइजेशन नहीं होता और मास पार्टिसिपेशन नहीं होता, इसलिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी नहीं होता। सातवीं विशेषता है लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास।
कोलमेन जैसे चिंतकों का ये भी मानना है, डेविडेटो जैसे चिंतकों का मानना है, उनका ये मान आमंड जैसे चिंतकों का कि बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अब बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है ये नहीं है कि डेमोक्रेसी के लिए बिल्डिंग बना दिया जाए, डेमोक्रेसी को रन करने के लिए जो थ्योरीज होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उसकी संस्थान होती हैं, उन संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए। केवल बिल्डिंग बनाने से या कमरा बनाने से लोकतंत्र निर्मित नहीं होता, उन कमरों में उन संस्थाओं में बैठकर काम करने वाले लोगों का निर्माण किया जाए कि उनमें राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना हो, वो रिश्वत नहीं लें, वो बेईमानी नहीं करें, वो अपनी ड्यूटी को समझें, वो पॉलिटिशियंस के दबाव में नहीं आए, ब्यूरोक्रेट्स लालच नहीं करें, या वो केवल अपना पैसा बनाने में ध्यान नहीं दे, पुलिस अपनी ड्यूटी करे, सेना अपनी ड्यूटी करे, अकेडमिक्स अपनी ड्यूटी करें, टीचर अपनी ड्यूटी करें, स्टूडेंट अपनी ड्यूटी करें, किसान अपनी ड्यूटी करें, डॉक्टर अपनी ड्यूटी करें, तमाम तरह के जो लोग हैं देश के, वो सब लोग अपने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से, पारदर्शिता से, कर्तव्यपरायणता से, ऑब्लिगेशन के माध्यम से और आनंद के साथ अपनी सर्विस को पे करें तो देश डेमोक्रेसी बिल्डिंग माना जाएगा। और ये डेमोक्रेटिक वर्च्यू को जो मैंने पहले भी बताया कि ऐसा प्रेसिडेंट भी ऐसा होना चाहिए, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, अब्राहम लिंकन की तरह घोड़ा गाड़ी से उतर कर वह लकड़हारों की मदद करने वाला ऐसा लोकतंत्र होता है, तब उसको बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। स्थायित्व में व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास, जो राजनीतिक अस्थिरता है वो इनस्टेबिलिटी है, वो पोलिटिकल डेवलपमेंट का सिम्बल नहीं है, या मिलिट्री जुंटा डेवलपमेंट का सिम्बल नहीं है, जोड़ तोड़ की राजनीतिक डेवलपमेंट का सिम्बल नहीं है। एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में, ताकि पॉलिटिकल सिस्टम काम कर सके और लंबे समय तक काम कर सके, परंतु रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित सिस्टमेटिक चेंज किया जाए, केवल अचानक कहने से या राजनीतिक लाभ के लिए या कुर्सी बचाने के लिए या दोबारा सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दल या दल का नेता ऐसे अतार्किक और अवैज्ञानिक कार्य नहीं करे जो केवल भावनाओं से जुड़े हुए हो, जिनसे आम जनता को लाभ नहीं हो, आम जनता को गुमराह ज़्यादा किया जाए। कार्ल मार्क्स के शब्दों में धर्म, जिसको जनता की अफीम कहा जाता है, मंदिर बनाए जाएं, मस्जिद बनाए जाएं, ये जो मुद्दा है या ऐसे जो कार्य हैं वो लोकतंत्र के कार्य नहीं हैं, ये लोकतंत्र को तबाह करने के कार्य हैं, ज़मीन में दफनाने के कार्य हैं, क्योंकि इससे लोगों को कोई मजबूती नहीं मिलती है। लोकतंत्र का मतलब भी है स्ट्रेथन्स और पीपुल, लोग मजबूत होने चाहिए, तब जाकर लोकतंत्र राजनीतिक विकास को बुलाता है। शक्ति संचारक के रूप में राजनीतिक विकास, जो पावर है उस पावर को एक टूल के रूप में स्थापित किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में उस पावर को ट्रांसफर करे, उस पावर को समझे, इस देश का एक एक नागरिक ये समझे कि इस देश के निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री को चयन करने में, प्रधानमंत्री को बनाने में, राष्ट्रपति को बनाने में, प्रतिनिधियों को बनाने में, ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त करने में, इन तमाम तरह के जो लोग हैं उन सब लोगों को लोकतंत्र के माध्यम से एक मशीनरी के तहत वो चलते हैं, तो उन सब की पावर जिसको पॉपुलर सॉवरेंटी कहते हैं वो महसूस करने वाली बात है। अगर लोग सच में ऐसा मानते हैं या ऐसे दुष्ट लोगों को वो रिकॉल कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, या सिस्टम से बाहर कर सकते हैं, व्यवस्था से बाहर कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से दूर कर सकते हैं, तो इससे शक्ति संचारक के रूप में पॉलिटिकल डेवलपमेंट माना जाएगा। लास्ट विशेषता है सामाजिक बदलाव की बहुदिशाई प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास, ये बहुत बड़ी बात है, सोशल चेंज की बात यहाँ कही गई है कि क्या समाज में बदलाव है। जो पुराना समाज था वैसे ही चल रहा था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, दिया गया है नहीं दिया गया है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडर है महिला है, कितनी जो भारतीय राजनीतिक दल हैं या दुनिया भर के दल, अमेरिका में कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बन पाई हैं, रसिया में कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बन पाई हैं, चाइना में कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बन पाई हैं, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की कितनी महिलाएं मुख्य न्यायाधीश आज तक बन पाई, एक भी नहीं बन पाई है, कितनी महिलाएं सेना अध्यक्ष बन पाई हैं, कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री बनी हैं, राष्ट्रपति बनी हैं, तमाम तरह की ये एक सोशल चेंज का सिंबल है। जेंडर के प्रति मैंने बताया है, जातियों की बात करें भारत में तो जातियों कितना प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, प्रधानमंत्री ऑफिस में इस समय 41 ऑफिसर हैं, उनमें से एक ओबीसी का है, बाकी सब अनरिजर्व क्लास के हैं। इसका मतलब ये सोशल चेंज नहीं है। क्या समाज में अभी भी जो बिंदुरी निकालने वाली है, या जो दलित समुदाय है, या आदिवासी समुदाय है, या अन्य पिछड़ा समुदाय है, या अन्य जो दिव्यांगजन हैं, ईडब्ल्यूज हैं, या माइनॉरिटीज़ हैं, उनके प्रति
पॉलिटिकल सिस्टम कैसा नज़रिया रखता है, या पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग चले गए हैं वो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा रहे हैं, अन्य धर्मों के लोगों को लड़ा रहे हैं, या अपने ही देश के लोगों को जातियों में बांट रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि जातियाँ शेड्यूल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बात करें तो लगभग 800 से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, लगभग 1700 से ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट हैं, लगभग 3500 से ज़्यादा OBCs हैं। तो ये सब जो डिवाइजेशन किया गया है या जो बदलाव के वो जो विभाजन किया गया है वो कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, जो सोशल इनइक्वालिटी है वह सामाजिक बदलाव नहीं, स्टेटस क्यो की स्थिति है। और ये राजनीति विकास नहीं होता, ये देश के लोग या ऐसे देश विकासशील देश सामाजिक बदलाव नहीं हो पाने की वजह से, जैसा हंटिंगटन ने कहा कि सोशल आस्पेक्ट, इकोनॉमिक आस्पेक्ट और पॉलिटिकल आस्पेक्ट तीनों में बैलेंस हो तभी वो राजनीति विकास को प्राप्त कर सकते। अगर आपका समाज पिछड़ा रह गया तो आप पैसे हो गए, इकोनॉमी को आपने 5 ट्रिलियन बना दिया लेकिन क्या समाज को भी 5 ट्रिलियन बनाया नहीं बनाया, पॉलिटिक्स को आपने 5 ट्रिलियन बना दिया लेकिन क्या समाज 0 ट्रिलियन पर ही टिका हुआ है, वो भी देखने वाली बात। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी 5 ट्रिलियन बना रहा है तो क्या भारतीय समाज को भी 5 ट्रिलियन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अगर वो नहीं बना पा रहा है तो ये राजनीतिक विकास किसी कीमत पर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुदिशायुक्त प्रक्रिया होती है। पाई ने राजनीति विकास से संबंधित 10 परिभाषाओं का विश्लेषण किया था संक्षेप में, परंतु गहन अर्थ में इसके 3 महत्वपूर्ण आयाम बताए हैं जिन्हें हम आप समानता कह सकते हैं, क्षमता कह सकते हैं, विभेदीकरण कह सकते हैं। और कोलमैन ने इन 10 को मिलाकर डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा है, राजनीतिक संलक्षण कहा है, तीनों अपने आप में बहुत बड़े शब्द हैं। तो ये थी राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं पाई के अनुसार। नेक्स्ट व्याख्यान में हम पढ़ेंगे बेसिक थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के मुख्य सिद्धांत, जिनमें लिबरल थ्योरीज और मार्क्सिस्ट थ्योरी मुख्य रूप से हैं। थैंक यू सो मच।